अमेरिका में बसे हुए सभी मेरे परिवारजन, परिवार के स्वजनों से मिलने का जो आनंद होता है, वो आनंद मैं जब जब आपसे मिलता हूँ अनुभव करता हूँ, एक नई ऊर्जा लेके जाता हूँ, नया उमंग उत्साह आप मेरे में भर देते हैं, तो फिर एक बार वो मौका आज मुझे मिला है। पिछले 20 साल में कई बार मुझे अमेरिका आने का अवसर मिला है। जब मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री भी नहीं था, तो अमेरिका के करीब 30 स्टेट का मैंने भ्रमण किया था और हर बार किसी न किसी स्वरूप में यहाँ बसे हुए आप सब परिवारजनों से मिलने का मौका मिलता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप लोगों ने इतने बड़े बड़े समारोह ऑर्गेनाइज किए कि जिसकी गूंज आज भी दुनिया में सुनाई दे रही है। न सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन विश्व के पॉलिटिकल लीडर भी जब मिलते हैं तो उनके दिमाग में मेरी पहचान उस अमेरिका के इवेंट से शुरू होती है। तो ये सब आप ही लोगों का कमाल है, आप ही का पुरुषार्थ है। और मैं जानता हूं कि अमेरिका में रहते हुए इस प्रकार की चीजें ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी बारीकियां देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको सफल बनाए हैं। इस बार की मेरी यात्रा में मैं ज्यादातर लोगों को नाराज करने वाला हूं, नाराज करके जाने वाला हूं, क्योंकि कई दबाव आ रहे थे, कई कार्यक्रमों के सुझाव आ रहे थे। आप लोगों का भी मन करता था बड़े कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन मैंने कहा जरूर बड़े कार्यक्रम कभी न कभी करूंगा, लेकिन आज तो मैं उन लोगों को विशेष रूप से मिलकर के उनके दर्शन करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पिछले कार्यक्रमों के लिए भारी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। समय दिया, धन खर्च किया, अपने निजी कार्यक्रमों में बदल किया। तो इस बार तो मेरा मन यही था कि आप सबके दर्शन करूं जिन्होंने काफी परिश्रम किया था। तो ये सौभाग्य मुझे आज मिला है और एक प्रकार से यहां मैं जो स्वरूप देख रहा हूं उसमें लघु भारत भी है, लघु अमेरिका भी है। भारत के करीब करीब सभी राज्यों के लोग यहां हैं और अमेरिका के भी सभी राज्यों के लोग यहां पर हैं। आप कहां हो, किस अवस्था में हो, किस प्रकार से कार्य से जुड़े हुए हो,
किस परिस्थिति में देश छोड़ करके यहां आए हो, कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कुछ अच्छा होता है तो आपकी खुशी नहीं समाती है। और हिंदुस्तान में अगर कुछ बुरा हो तो सबसे पहले आपकी नींद खराब होती है। ये इसलिए होता है कि आपका दिल हर पल चाहता है कि मेरा देश ऐसा कब बनेगा, मेरा देश आगे ऐसा कब बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगे। और उसका सीधा साधा कारण है, आप भी हिंदुस्तान में थे, आप ही अमेरिका में हैं, लेकिन आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, वही हिंदुस्तानी हो आप, लेकिन सानुकूल वातावरण मिलते ही आप इतने फले फूले कि अमेरिका को भी फलने फूलने में आप बहुत बड़े सहायक बन गए। वही भारतीय की ताकत, सानुकूल वातावरण अमेरिका में मिला तो अमेरिका की भलाई के लिए भी और खुद की भलाई के लिए दोनों की विकास यात्रा बराबर बराबर चलती रही। आपके जैसे ही, आपके जैसा ही सामर्थ्य रखने वाले, आपके जैसी ही बुद्धि प्रतिभा रखने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में बैठे हैं। वे भी आप जैसे ही हैं। आपको जैसे यहां सानुकूल माहौल मिला और दुनिया बदल गई, उनको भी अब उनको सानुकूल माहौल मिल रहा है और वो 125 करोड़ देशवासी कितनी तेज गति से हिंदुस्तान बदल देंगे, ये आप और मैं भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। आज भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है और जो मैं हर पल अनुभव करता हूं, हर देशवासी कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ न कुछ कर रहा है, और वह भी मेरा देश आगे बढ़े इस सपने और संकल्प के साथ कर रहा है। और जब 125 करोड़ देशवासियों का जज्बा, कुछ कर गुजरने का इरादा, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरे देश में अनुभव होता हो, तब देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले कई वर्षों तक जो गति नहीं थी उससे तेज गति से देश आज आगे बढ़ रहा है। इन दिनों भारत में जिन विषयों को लेकर के सरकारें हमारे यहां बदनाम भी होती रही और बदलती भी रही,
उसका कारण ये नहीं रहा कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था और मिला नहीं। असंतोष का कारण वो ज्यादा नहीं था। भारत का सामान्य मानवी और जैसे आप लोग हैं, इनहेरेंट संस्कार है संतोष का। ठीक है, चलो भाई, जवान बेटा भी मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा, तो भी माँ बाप आखिर कहेगा, चलो भाई ईश्वर की इच्छा होगी, शायद ईश्वर को प्यारा हो गया। ये मूलभूत हमारी सोचने की प्रकृति है। भारत में सरकारें बदली गई हैं, उसके मूल में एक प्रमुख कारण रहा है भ्रष्टाचार, बेईमानी। देश के सामान्य मानवी को नफरत है। कि क्या मतलब है? मैं आज सर झुका करके बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। और सरकार चलाने के तरीके में भी इनबिल्ट व्यवस्थाओं को ऐसा विकसित करने का प्रयास हो रहा है ताकि ईमानदारी इस सहज प्रक्रिया भी हो। वरना ऐसा नहीं कि विजिलेंस बार बार करेंगे तभी ये चीजें चलती रहे। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा रोल कर रही है। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आती है, लीडरशिप और गवर्नेंस के उसूलों के कारण इंटीग्रिटी आती है और सामान्य मानवी का स्वभाव अच्छा है तो उस रास्ते पर जाने का ज्यादा पसंद करता है। अब जैसे हमने देश में जो सामान्य मानवी को सरकारी खजाने से मिलने वाली बातें हैं उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में, डीबीटी स्कीम में कन्वर्ट किया। उसका परिणाम क्या आया? हमारे यहां गैस सिलेंडर घरों में देते हैं तो अब जैसे भारत देश है, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना बहुत जरूरी है, तो जितना आर्थिक बोझ कम हो ताकि वो पैसे शिक्षा में लगा सके, हेल्थ में लगा सके, बच्चों के देखभाल में लगा सके, तो कुछ सब्सिडी वगैरह देते हैं, गरीबों पर खास ध्यान देते हैं। अब गैस सब्सिडी देते हैं, अब गैस सब्सिडी देते तो कानून तो एक होता है, गरीब से गरीब को भी सब्सिडी जाती है, अमीर से अमीर को घर को भी जाती है, अरबों खरबों रुपया कमाने वाले को भी सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलता है। अब मैंने आकर के रिक्वेस्ट की लोगों से, मैंने कहा भाई अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है तो आप ये सब्सिडी क्यों लेते हैं? 1000, 1200, 1500 रुपए में क्या रखा है आपके लिए? तो ये एक दिन का जेब खर्चा भी इससे भी ज्यादा होता है। आप हैरान होंगे, देश के सामान्य मानवी के दिल में देश को आगे बढ़ाने की
अदम्य इच्छा है, ये मैं जब कहता हूं तो उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, 1.25 करोड़ देशवासी, यानी कि 1.25 करोड़ परिवार, भारत में कुल 25 करोड़ परिवार है, 125 करोड़ परिवारों ने सामने से कह दिया, मोदी जी आपने कहा है आज से सब्सिडी नहीं लेंगे। ये उस बात का सबूत है कि सामान्य मानवी देश को आगे ले जाने में अपने आप को भागीदार बनाना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। और बाद में हमने क्या किया, ये सब्सिडी सरकार के खजाने में डाल करके सरकारी खजाने की चिंता नहीं की। हमने कहा ठीक है, इसको हम उन गरीब परिवारों को देंगे जो गरीब लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चों का पेट भरने के लिए सुबह 3-4 बजे उठ करके लकड़ी लाते हैं, लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं, फिर छोड़ करके जाते हैं, बच्चे बाद में खाते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि लकड़ी का चूल्हा जलाने से जो धुआं होता है, एक माँ जब पूरा दिन भर किचन में जब भी खाना पकाती है, लकड़ी का चूल्हा जलाती है, 400 सिगरेट का धुआं उस माँ के शरीर में जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं, ये धुआं उनके शरीर में भी जाता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस माँ के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं जाता है, उस माँ के शरीर का हाल क्या होगा, उन बच्चों के शरीर का क्या हाल होगा। अगर मैं स्वस्थ भारत का सपना देखता हूं तो स्वस्थ माँ स्वस्थ बालक होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने बीड़ा उठाया और लोगों से कहा कि जो 1.25 करोड़ लोगों ने ये गैस सब्सिडी छोड़ी है, वो उन गरीब परिवारों को सिलेंडर हम दे देंगे और ये सब्सिडी गरीब के यहां ट्रांसफर कर देंगे। इतना ही नहीं, जिसने सब्सिडी छोड़ी थी उसको चिट्ठी भेजी कि आपने जो गैस सब्सिडी छोड़ी थी गुजरात के फलाने गांव में आपने छोड़ी थी, लेकिन अब आसाम के फलाने जिले के फलाने गांव के फलाने गरीब को ये सब्सिडी ट्रांसफर कर दी गई। मेहनत पड़ती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी एक नया विश्वास पैदा करती है। आप जब हिंदुस्तान में थे तब आपने देखा होगा कि गैस का सिलेंडर पाने के लिए पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, नेताओं के घर चक्कर लगाने पड़ते थे कि गैस का कनेक्शन दे दीजिए। हमने बीड़ा उठाया है आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देना, उसको लकड़ी के चूल्हे से मुक्त करना। और मुझे खुशी है कि अभी तो इस योजना को 11-12 महीने भी नहीं हुए हैं, अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों में गैस सिलेंडर हमने पहुंचा दिए हैं। सब्सिडी देते थे उसमें हमने बड़ा बदलाव किया, पहले जो बेचता था उसको सब्सिडी जाती थी, अब हमने वो बंद करके जो पाता है, जिसके घर सिलेंडर जाता है उसके घर में ही सब्सिडी बैंक अकाउंट में चली जाती है। अब पहले हम पर आरोप लगता था
कि मोदी इतने बैंक अकाउंट खोलने के पीछे लगे हो, क्योंकि मैंने अभियान चलाया था कि 6 महीने के भीतर भीतर देश में सब जगह पे बैंक अकाउंट खोलने हैं। 40% लोग थे जिनके बेचारों के बैंक अकाउंट खाते नहीं थे, बैंक में उनको कोई एंट्री नहीं थी। हमने खाते खोल दिए तो हम पे आरोप लगता था, खाते खोल दिए पैसे तो है नहीं, खाते तो खोल दिए पैसे है नहीं, खाते खोल दिए पैसे है नहीं। बहाना चाहिए कुछ ना कुछ आरोप करने के लिए। लेकिन जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया तो ये बैंक में सीधे पैसे, सरकारी जो सब्सिडी थी, जाने लगी। इसमें मजा ये आया, करीब 3 करोड़, आप हैरान हो जाएंगे जी, 3 करोड़ ऐसी सब्सिडी जाती थी कि जिसका सिलेंडर का मालिक ही कहीं की मिला नहीं हमको। कितने हजारों करोड़ रुपया हर वर्ष जाते होंगे, पता नहीं किसकी जेब में जाते होंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के कारण 3 करोड़ जो गोस्ट क्लाइंट थे वो चला गया, रुपये बच गए जो किसी गरीब के लिए गांव में स्कूल बनाने के लिए काम आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी लाने में टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल कर रही है, और जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो भली भांति समझती है टेक्नोलॉजी की ताकत क्या है। आज हिंदुस्तान उस टेक्नोलॉजी को काफी बल देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित कर रहा है। हमारे देश में जो लोग लगातार भारत की चीजों को देखते होंगे, जब खेती की सीजन आती है तो यूरिया को पाना, मैं भी जब मुख्यमंत्री था तो भारत सरकार को लगातार चिट्ठी लिखता था कि हमारे यहाँ यूरिया की कमी है, किसान परेशान है, यूरिया मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी सब मुख्यमंत्रियों की पहले ही महीने में यही चिट्ठियां थी, यूरिया यूरिया यूरिया। आपको जानकर के खुशी होगी, पिछले 2 साल से एक भी मुख्यमंत्री यूरिया के लिए मुझे चिट्ठी नहीं लिखता। कहीं यूरिया की कमी नहीं है, कहीं यूरिया के लिए कतार नहीं। तो आप अपने देश में यूरिया के लिए रात रात लोग कतार लगाते थे, रात रात खुले में सोते थे ताकि सुबह दुकान खुलते ही यूरिया मिल जाए, ये दिन थे। लेकिन क्या हमने रातों रात यूरिया के कारखाने लगा दिए? नहीं। क्या रातों रात यूरिया का उत्पादन बढ़ा दिया? नहीं। सिंपल काम किया, यूरिया का नीम कोटिंग किया। ये नीम के पेड़ की जो फली निकलती है उसका तेल, जो वेस्टेज है एक प्रकार से, उसको डाल दिया। पहले क्या होता था, यूरिया तैयार होता था, यूरिया में सब्सिडी बहुत मिलती है किसानों को, सालाना करीब 80,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में जाता है, तो बहुत सस्ते में यूरिया कारखाने से बाहर निकलता है। लेकिन वो खेत में नहीं जाता था, केमिकल फैक्ट्री में घुस जाता था, और केमिकल फैक्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल का उपयोग होता था, उस पर प्रोसेस करके और कोई प्रोडक्ट बना करके वो दुनिया में माल बेचते थे, पैसे कमाते थे। नीम कोटिंग करने के बाद अब यूरिया का 1 ग्राम यूरिया भी और किसी काम नहीं आ सकता है। केमिकल फैक्ट्री में जाना बंद हो गया, यूरिया खेत में ही जाने लगा, और नीम कोटिंग लगाने के कारण यूरिया की एक्स्ट्रा ताकत बढ़ गई, जो जमीन में सुधार लाने लगी। और परिणाम यह आया कि 5
5% से लेकर के 7% तक खेत उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, यूरिया की चोरी गई, उसके कारण सब्सिडी कम हो गई, 100% यूरिया खेत में पहुंचने लगा, किसान की दिक्कत चली गई और यूरिया में नीम कोटिंग होने के कारण उत्पादन में बढ़ गया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अनेक ऐसा उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें भारत इन दिनों टेक्नोलॉजी के सहारे कई नए अचीवमेंट कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना नाम कमाया है। अभी 2 दिन पहले ही 31 नैनो सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। पिछले महीने हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। दुनिया को अजूबा लगा कि ये भारत की क्या ताकत है कि एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसके वजन की तुलना किलोग्राम में नहीं होते हैं, इतने हाथी के वजन का बराबर सैटेलाइट को छोड़ा गया, यानी एलिफेंट के वेट के साथ हमारे सैटेलाइट के वेट की तुलना हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश आधुनिक भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट, इन सारी बातों पर एक नए सिरे से बल दिया जा रहा है और उसके सुखद परिणाम आज बहुत तेज गति से नजर आ रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कुछ काम होते नहीं थे, काम तो होते थे, आखिर सरकारें बनती हैं कुछ न कुछ करने के लिए, और कोई सरकार नहीं चाहती है कि वो अपने कार्यकाल को खराब करके जाए और चुनाव हार जाए, कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन काम होना वो एक बात है, लेकिन देश की आवश्यकता अपेक्षाओं के अनुरूप तेज गति से सही दिशा में परिणामकारी काम होना, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसलिए निर्णय भी समय की सीमा में हो, टाइम बाउंड विधि हो, तेज गति से हो, सही दिशा में हो और परिणामकारी हो, इन चीजों को लेकर के आज देश किसी भी पैरामीटर में देख लिया जाए, अगर पहले एक दिन में कितनी लंबाई रोड की बनती थी और आज कितनी बनती है, पहले एक दिन में रेलवे कितनी लंबाई बढ़ती थी आज कितनी बढ़ती है, पहले रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन एक दिन में कितना होता था आज कितना होता है, कोई भी पैरामीटर लिया जाए, अकल्प गति आज देश के काम में आई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी सोच आधुनिक भारत के संदर्भ में है, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में है और ग्लोबल बेंचमार्क के संदर्भ में है। अब काम होने को हो इससे चलने वाला नहीं है। एक जमाना वो था कि जब अकाल होता था तो गांव के लोग सरकार को चिट्ठी भेजते थे कि हमारे गांव में भी अकाल के लिए कुछ मिट्टी का काम किया जाए, और मिट्टी के गड्ढे खोदे जाते थे और मिट्टी का रास्ता बना दिया जाता था और उसको बहुत बड़ा सरकार का अचीवमेंट माना जाता है। वो भी दिन थे हमारे देश में। धीरे धीरे आया, नहीं नहीं साहब सड़क बना दो, डामर की सड़क बना दो। धीरे धीरे आ गया, नहीं जरा डबल लेन बना दो। आज मांग उठी है पेवर रोड चाहिए, उससे नीचे कोई चाहिए नहीं। ये एस्पिरेशन जो बढ़ रहा है देश का,
ये भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। जब देश के सामान्य मानवीय का एस्पिरेशंस बढ़ता है तो वो एस्पिरेशंस को अगर प्रॉपर लीडरशिप मिल जाए, प्रॉपर गवर्नमेंट गवर्नेंस मिल जाए, पॉलिसी मिल जाए, तो एस्पिरेशन अपने आप में अचीवमेंट बन जाता है। जनता जनार्दन के एस्पिरेशंस को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने की दिशा में हम नीतियों को निर्धारित करते हैं, हम गति तय करते हैं, प्रायोरिटी तय करते हैं और जी जान से जोर लगाते हैं, परिणाम मिलने लगा है। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश, जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम विश्व के कानूनों से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारा स्वभाव है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। हम ग्लोबल ऑर्डर को तहस नहस कर करके अपना डंडा जमाने वाले देश नहीं है। हम दुनिया के नॉर्म्स का पालन करते हुए, इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए, हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य के सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। और इसलिए कि हम दुनिया को यह समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है, हम विश्व को समझाने में सफल हुए हैं। 21वीं सदी का हिंदुस्तान बनाने की दिशा में भारत अनेक आर्थिक क्षेत्र में उदारतापूर्वक अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। देश सिर्फ रुपयों से ही आगे बढ़ता ऐसा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका ह्यूमन रिसोर्स।
उसकी सबसे बड़ी ताकत होती उसकी प्राकृतिक संपदा। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, जो देश जवान हो, उसके सपने भी जवान होते हैं, उसका सामर्थ्य में भी जवानी होती है। और उसके साथ हमने उन नीति निर्धारों की दिशा में आगे बढ़े हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दिशा में, और भारत को आजादी के बाद जितनी मात्रा में एफडीआई मिला होगा उससे आज कई ज्यादा मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आ रहा है। भारत को दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, भारत को एक चमकते हुए सितारे के रूप में चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, हर कोई, दुनिया की सब एजेंसी उसको, भारत के सामर्थ्य को स्वीकार करती है। विश्व भी भारत को अपना एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में टॉप पर देख रहा है। तो ये स्थिति का निर्माण हुआ है, लेकिन इन सब के साथ भी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, इसकी अहमियत बहुत होती है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय के पास ये सामर्थ्य है, उसे एक्सपोजर मिला हुआ है, उसने कुछ न कुछ अपने जीवन में हासिल भी किया है। ये भारत का बुद्धि धन, भारत का ये अनुभव धन जो आज विश्व में फैला हुआ है, मैं उनको भी निमंत्रित देता हूं कि आपके पास जो सामर्थ्य है, जो अनुभव है, उसको अगर आपको लगता है कहीं हिंदुस्तान में काम आ सकता है, जिस देश ने आपको बड़ा बनाया उस मिट्टी के कर्ज चुकाने की दिशा में अगर आपको लगता है तो शायद इससे उत्तम अवसर कभी नहीं आएगा। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, शायद ही अमेरिका में विश्व के सभी समाज यहां रहते हैं, दुनिया के हर देश के लोग रहते हैं, लेकिन शायद ही यहां रहने वाले हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लोगों को जितना आदर और सम्मान देते हैं, जितना प्यार मुझे मिला है, शायद ही दुनिया में किसी लीडर को मिलता होगा। लेकिन कभी कभी लगता है कि इस पीढ़ी के बाद क्या, जो इस पीढ़ी के अंदर जज्बा है वो आने वाली पीढ़ियों में भी बना रहेगा क्या? और उसके लिए भारत के साथ आपका ब्रिज बना रहना बहुत जरूरी है। आपकी नई पीढ़ी भारत से जुड़ी रहे, इसके लिए आपका निरंतर प्रयास होना बहुत आवश्यक है। जिन जिन राज्यों से आप आते हैं, हर राज्य ने इन दिनों अपने यहां प्रवासी भारतीय लोगों के लिए कोई न कोई डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने भी दिल्ली में एक अच्छा प्रवासी भारतीय भवन बनाया अभी, और मैं तो चाहूंगा जब आए तो जरूर उसे देखें, उसमें रहने की व्यवस्था भी है, वो सुविधाएं आप ही के लिए है। आपने देखा होगा मुझे इन दिनों, इवन मैं भी सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद भी विदेश मंत्रालय याने कोट पैंट टाई पहनना, बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाना, दुनिया में सफर करना, सामान्य मानवीय के नाते वही छवि थी। 3 साल में आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने
मानवता की दृष्टि से नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। अस्सी हजार से ज्यादा हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी देश में कहीं ना कहीं संकट में फंसे तो प्रोएक्टिव होकर के भारत सरकार उनको सही सलामत ले आई और अपने घरों में उनको वापस ले गई। 80,000 ये छोटी संख्या नहीं है। आज से 20 साल पहले किसी भी देश में आप जितने सुखचैन की जिंदगी जीते थे, गत 20 साल में जो बदलाव आया है, हर पल विदेश में रहते हुए भारतीय को रहता है यार कुछ होगा एक हो, आज उसको 3 साल से चैन है, कुछ भी हो जाए हमारी एम्बेसी यहां है, रास्ता खोज जाए। अभी आपने देखा होगा भारत की एक बच्ची मलेशिया में गई थी, किसी के परिचय में आई, भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सपने लेकर के गई थी, लेकिन वहां की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमान बच्ची थी, उसको लगा पाकिस्तान जाऊंगी मेरी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, फंस गई। तब उसने मन में तय किया कि मैं मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पहुंच जाऊंगी, मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान की एम्बेसी के पहुंची, आज वो भारत लौट करके आई और हमारी सुषमा जी उसको लेने। मैं जब पहले यहां आता था तो बैठते ही विदेश में रहने वाले हमारे बंधुओं से बैठते ही शुरू होता था, साहब एयरपोर्ट पर उतरते ही टैक्सी वाला, साहब उतरते ही कस्टम वाला, साहब जाते ही गंदगी, यही सुनता था मैं, साहब पता नहीं मन नहीं करता, यही सुनता था। आज मेरे लिए खुशी की बात है, विदेशों से जितनी चिट्ठियां आती हैं उसमें अधिकतम चिट्ठियां उस देश के एम्बेसी में जो बदलाव आया है, एम्बेसी जो प्रो पीपल हुई है, भारतीयों की वहां दरकार की जाती है, जो माहौल बदला है, उसकी तारीफ की चिट्ठियां ही चिट्ठियां मुझे मिलती रहती है। हमने नीतियों में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। अब आपको मालूम है, आपने जब पासपोर्ट लिया होगा कितने पापड़ बेल करके पासपोर्ट लिया होगा, आज हर पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट के सेंटर खोले जा रहे हैं और जो पासपोर्ट 6-6 महीने तक बड़ी मुश्किल से मिलता था आज 15 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ी ताकत रखता है, मैं भी सोशल मीडिया से काफी जुड़ा हुआ हूं, आप लोग भी नरेंद्र मोदी ऐप बराबर देखते रहते होंगे, नहीं देखते होंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया से किसी एक डिपार्टमेंट की ताकत कैसे बढ़ती है, वो अगर उत्तम से उत्तम किसी ने करके दिखाया है तो हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने करके दिखाया है। भारत में हर व्यक्ति नोट करता है, जो विदेश मंत्रालय कोट पैंट टाई तक ही सीमित था, आज वो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के साथ जुड़ गया है, ये पहली बार देश में हुआ है।
विदेश मंत्रालय रात को 2 बजे भी किसी पीड़ित ने दुनिया के किसी देश में ट्वीट किया हो, 15 मिनट में सुषमा जी का ट्वीट पे जवाब जाता है, 24 घंटे में सरकार एक्शन लेती है और परिणाम लाके रहते हैं। ये है गुड गवर्नेंस, ये है प्रो पीपल गवर्नेंस, ये है एक सेंटिमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो जिम्मा दिया है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 3 साल बेमिसाल रहे हैं और आने वाला हर पल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खपाते रहेंगे। आपका साथ और सहयोग मिला है, आप इतनी बड़ी मात्रा में आए, मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि बाद में फोटो सेशन होने वाला है, मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। उस बीच में जब तक आप लोग सज्ज हो जाएं, मैं कुछ लोगों से मीटिंग पूरी करके आता हूं आपके बीच में। आप रेडी हो जाइए तो उस समय आपसे नमस्ते नमस्ते हो जाएगी। मैं फिर एक बार आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।